आओ की मात्रा पढ़ रहे थे, तो इसके शब्द हमने कर लिए थे। आगे हम इसका जो पैराग्राफ आपके बुक में दिया हुआ है वो पढ़ेंगे। तो पहले दिया हुआ है देखो, सौरभ की मौसी आई। कौन आई? सौरभ की मौसी आई। मौसी नौका से आई। किस पे आई वो? मौसी नौका से आई। अपने साथ लौकी लाई। मौसी आई और क्या लेके आई? लौकी लाई। मौसम सुहाना था। मौसम सुहाना था। नौकर ने लौकी की पकौड़ी बनाई। नौकर ने लौकी की पकौड़ी बनाई। मौसा जी और गौरी भी आए। मौसा जी और गौरी भी आए। अपने साथ कचौड़ी लाए। अपने साथ कचौड़ी लाए। सबने चौकी पर बैठकर पकौड़ी और कचौड़ी खाई। अब क्या है? सबने चौकी पर बैठकर पकौड़ी और कचौड़ी खाई। ये आपका पैराग्राफ है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, लिख भी लेना। तो बाकी देखो, पहला क्वेश्चन दिया आपको, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। इधर वर्ण देख के इनको जोड़ के हमें शब्द बनाने हैं। तो पहला है देखो, चै ओ कै ई, चौकी। इसको कैसे लिखोगे? चै ओ कै ई, चौकी। ये अलग अलग है, इनको जोड़ना है आपको, इधर एक साथ शब्द बनाने हैं। मैं ओ से ई, मौसी। मैं ओ से ई, मौसी। ऐसे ही आपको प ओ ध आ, पौधा। यानी है च ओ ख टे, चौखट। भ ग ओ न आ, भगौना। मैं ओ से आ, मौसा। स ओ द आ ग र, सौदागर। ये आपको यहाँ पे फिल करने हैं, बुक में फिल कर लेना इनको। अब देखो, सेकंड क्वेश्चन दिया आपको, ओ की मात्रा ऐसे होती है, ओ की मात्रा किस स्थान पर औ की मात्रा लगाकर नया शब्द बनाइए। अब आपको देखो, ओ की मात्रा दी हुई है इनके बीच में, ठीक है। इनकी जगह में क्या करना है? औ की मात्रा लगानी है और शब्द बनाना है। तो पहला है, अब देखो इधर आपको दिया हुआ है लोटा। लोटा है, इसमें ओ की मात्रा आ रही है, ओ टै आ लोटा, ठीक है। हमें क्या करना है? औ की मात्रा लगानी है, ये मात्रा लगानी है ओ की जगह पे, और अलग शब्द नया शब्द बनाना है। तो देखो, लोटा ले औ टै आ, लोटा। अब ये तो लोटा हो गया, और ये लोटा लोटा। ऐसे ही सो आगे से औ के, सौंक सौंक, ठीक है। अगला है कौर, तो यहाँ कै ओ ने कौन, ये है खोलना, इसको है ओ ले ना खोलना। अगला है लौटना, ले ओ टे ना लौटना। बोना वे ओ ने आ बोना। अब देखो इनको पढ़ेंगे, लोटा लोटा लोटा, सोक सोक, कौन कौन, खोलना खोलना, लौटना लौटना, बोना बोना। ये आपको पढ़ने भी अलग अलग है और इनको लिखना है, तो ध्यान से देखना है कि इनको लिखेंगे, ओ की मात्रा लगा के लिखेंगे तो क्या बनेगा, और औ की मात्रा लगा के लिखेंगे तो क्या बनेगा। ये आपको अच्छे से नोटबुक में लिखना है और पढ़ना है। अब अगला क्वेश्चन दिया है, औ की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। इधर आपको ये खाली जगह देखते हैं, यहाँ पे क्या है? औ की मात्रा लगानी है और शब्द बनाना है। तो देखो, द औ अड़े अ दौड़ा, तो इसको यहाँ औ की मात्रा लगाएंगे, द औ अड़े अ दौड़ा। अगला है द
अव ले तय दौलत, तो इसको यहाँ लिखोगे ले अव ले तय दौलत। ऐसे ही ले अव के आ नौका, चे अव रे आ है आ चौराहा, मैं अव से ई मौसी, है थे अव रे ई हथौड़ी, खे अव ले ने आ खोलना, ने आओ जे वे आ ने नौजवान। ये आपको अपने ये आपको खुद से लिखने जो छोड़े हैं मैंने, और अपनी बुक में अच्छे से इनको फील करना है। अब चौथा क्वेश्चन भी आपको चित्र देकर शब्द लिखिए। तो ये है तौलिया, तो इसको कैसे लिखोगे, तय आओ ली या तौलिया। ये है नौका, तो इसको कैसे लिखोगे, ने आओ के आ नौका। ये है चौकीदार, चै औ के ई द आ रे चौकीदार। ये पौधा, तो इसको प औ ध आ पौधा, इसको ऐसे लिखनी है आपको। बाकी देखो इधर आगे है, ओ या औ की मात्रा लगाकर शब्द पूरे कीजिए। तो हमें क्या करना है, इनके अंदर ओ की मात्रा या औ की मात्रा लिखनी है। तो ये आपको खुद से फील करना है कि किस में ओ की मात्रा आएगी और कौन से में औ की मात्रा आएगी। इनको खुद से फील कर लेना और इनकी फ़ोटो लेके वापस भेज देना।